नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। वैसे तो कई लोग होंगे जो महाभारत के बारे में जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आइए, आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी महाराज शांतनु और देवी गंगा की कहानी सुनाती हूँ, जहाँ से महाभारत की कथा और कुरुवंश के शासकों का पतन की शुरुआत हुई। महाराज शांतनु कुरुवंश के प्रतापी राजा थे। वो अपने राज्य हस्तिनापुर को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे और उनके कार्यकाल में उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। एक दिन महाराज शांतनु ने गंगा के तट पे एक बहुत खूबसूरत स्त्री को देखा। वो देवी गंगा थी इंसानी स्वरूप में। उनकी खूबसूरती पे महाराज शांतनु मोहित हो गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे देवी, आपके जैसी अलौकिक सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। मैं महाराज भरत का वंशज और हस्तिनापुर का सम्राट शांतनु आपसे विवाह की मंजूरी मांगता हूँ। ऐसे प्रतापी राजा की बात सुनकर और उनके लिए इतना प्रेम भाव देखकर देवी गंगा विवाह के लिए राजी हो गई। पर उन्होंने कहा, हे राजन, मेरी एक शर्त है। मैं आपसे तभी विवाह करूँगी जब आप मुझे वचन दें कि भविष्य में मैं कुछ भी कार्य करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं या मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे। महाराज को ये थोड़ा अटपटा लगा, पर प्रेमवश महाराज ने हाँ कह दिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक वर्ष पश्चात महाराज और देवी गंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में सब बहुत खुश थे, पर देवी गंगा ने उसी दिन उस नवजात बालक को गंगा में जिंदा ही प्रवाहित कर दिया। ये देखकर महाराज को जैसे सांप सूंघ गया। सारी प्रजा विचलित हो उठी, पर महाराज वचनबद्ध थे। उन्होंने देवी गंगा से कुछ नहीं पूछा और एक एक करके देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को मार डाला। पूरी प्रजा में आतंक फैल गया, चारों तरफ डर का माहौल था। महाराज के लिए तो जैसे ये दुख असहनीय हो रहा था। देवी गंगा को 8वीं संतान की प्राप्ति हुई और वो इसे भी गंगा जी में प्रवाहित करने जा रही थी, पर महाराज से अब रहा नहीं गया और उन्होंने इस बार देवी गंगा को रोका और कहा, कोई स्त्री इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? कोई माँ इतनी निर्मम कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं धिक्कारता तुम्हें? और ये बोलकर महाराज ने देवी गंगा का रास्ता रोका और कहा कि इस बार मैं तुम्हें ये अपराध नहीं करने दूंगा। फिर क्या था, देवी गंगा अपने रूप में महाराज के सामने आईं और उन्होंने बताया कि वो हिमालय पर्वत पुत्री गंगा हैं और उन्हें ब्रह्मदेव के श्राप के कारण इंसानी रूप लेना पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि उनके 8 पुत्र 8 वसु हैं जिन्हें वशिष्ठ मुनि का श्राप मिला था और वे इस जीवन मरण के चक्र में फंसे रहे, इसलिए मैं यहाँ इन्हें मुक्त कराने आई थी। 7 वसुओं को मैंने इस चक्र से मुक्ति दे दी, पर 8वें वसु को लंबा जीवन और जीवन के सभी सुख दुख पीड़ा झेलने का श्राप है। फिर देवी ने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन आज तोड़ दिया। अब मेरे शर्त के अनुसार मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपके साथ इस धरती पे मेरा समय पूरा हुआ। यह कहकर माँ गंगा अपनी 8वीं संतान के साथ अंतर्ध्यान हो गई। समय बदला, कुछ वर्ष बीते। अपने संतान और प्रियसी की याद दिल में लेकर महाराज वापस आए और अपने राजकाज को शुरू किया। फिर भी उन्हें जीवन में खालीपन लगता था। वो रोज शाम गंगा के तट पे भ्रमण करते थे, इस सोच में कि कहीं देवी गंगा से उनकी फिर मुलाकात हो जाए। एक शाम उनका सोचा हुआ सच हो गया और देवी गंगा प्रकट हुई। इस बार उनके साथ एक तेजस्वी बालक था। देवी गंगा ने कहा, हे राजन, ये आपका 8वां पुत्र है देवव्रत। इसकी सारी शिक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। वशिष्ठ मुनि के द्वारा इसे वेद, उपनिषद, अस्त्र शस्त्र और राजनीति की सीख दी गई है। ये कहकर माँ गंगा ने देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपा और फिर अंतर्ध्यान हो गई। अपने पुत्र को पाकर महाराज बहुत खुश हुए। उनके प्रताप, तेज, बुद्धि, कौशल देखकर महाराज को बहुत गर्व हुआ और उन्होंने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म बनते हैं, जो महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक होते हैं।
इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें।